फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करना है। मैं आपको मेजरमेंट बताता जा रहा हूँ आपको कितने साइज का लाइन ड्रॉ करना है। तो आपको पहले स्केल की हेल्प से कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ करना है, 9 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल मैंने ये रखा है। और अब आपको इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर लेना है। तो देखिए, मैंने मार्क कर लिया और यहीं इस पॉइंट से आपको उसी साइज का 9 सेंटीमीटर का एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए, हमने दो लाइन ड्रॉ कर लिए हैं 9 सेंटीमीटर के पैरेलल बिल्कुल। अब आप लोगों को यहाँ से इसे इरेज कर लेना है ताकि हम लोग जो एंटर करती है लाइट इसके अंदर फ्लास्क के अंदर, वो हम लोग यहाँ पर उसके लिए स्पेस हम लोग यहाँ पर लीव कर रहे हैं। अब आपको इसे यहाँ से क्लोज कर देना है, जितना एक्स्ट्रा हमने इरेज कर लिया ऊपर से भी बंद कर दीजिए। आप साइड से भी क्रॉस करके कर सकते हैं कट, मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया है। नाउ गाइस, आप लोगों को यहाँ पर इसके दोनों एंड्स को सेमी सर्कल की हेल्प से क्लोज करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ड्रॉ करना है, आप सिंपली मुझे फॉलो करते जाइए। सेम आप लोगों को राइट हैंड साइड भी करना है। ये काफ़ी सिंपल है इस डायग्राम को ड्रॉ करना, बस आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। अगर आपने अभी तक ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ इसे कर दीजिए। मैं थोड़ा जूम इन कर दिया इस डायग्राम को। अब आपको यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट दोनों साइड मार्क कर लेना है। एक पॉइंट बना लीजिए 1 सेंटीमीटर पर, यानी बिल्कुल मिडल पर इसके। और यहाँ से आप लोगों को एक एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसके सर्किट में हेल्प करेगा। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे कनेक्टेड एक प्लेट। ये है मेटल प्लेट। अब यहां से आप इसे फोल्ड करके नीचे की तरफ ले जाइए। यहां से मैं रेस करके इसे रीड्रॉ कर लेता हूं। अब आप लोगों को इसे थोड़ा सा थिक कर देना है, ये जो हमने सरफेस मेटल सरफेस ड्रॉ किया है इसे दोनों साइड आपको कर लेना है सेम। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब आपको इसे यहाँ से देखिए स्केल को प्रेस करना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ तक हमने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पर हमें फर्दर ड्रॉ करना है नीचे थोड़ा सा। कुछ इस तरह से मैंने जो स्पेस लीव किया है यहाँ पर, वो मैं अभी बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। इस स्पेस पर आपको एक छोटा सा कर्व यहाँ पर ड्रॉ करना है जैसे मैंने किया है, और इसे नीचे ले जाना है। नाउ गाइस, आपको इसमें दोनों एंड्स पर ड्रॉ करने हैं डॉट, थोड़े डार्क आपको डॉट ड्रॉ करने थोड़े से बड़े साइज में जैसे मैंने किए हैं। और इन्हीं के जस्ट सामने आपको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक एक पॉइंट मार्क कर लेने हैं। और ये मैंने कर लिए। अब यहां से आप इसे ज्वाइन कर दीजिए और इन दोनों को ज्वाइन करना है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस बीच में लीव कर दीजिएगा। जैसा हमने ऊपर ड्रॉ किया था एक कर्व बीच में, वैसा हमें यहां पर भी करना है। देखिए ऐसा कर्व, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया। सेम आप लोगों को कर लेना है यहां पर। अब हमें इनके दोनों के सेंटर पर दो पॉइंट मार्क करने हैं अलग अलग यहाँ पर, और इससे जॉइंट हम ड्रॉ करेंगे सर्किट जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप मुझे फॉलो करते जाइए। मैंने और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाए हुए हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर प्रेस करके चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है एक सर्कल, इससे हम मीटर ड्रॉ कर रहे हैं। ये है एमीटर। मैं आपको एंड में लेवलिंग में सब कुछ लेवल कर दूंगा। यहाँ पर भी आपको दो डॉट्स ड्रॉ करने हैं दोनों एंड्स पर, और यहाँ पर भी सेम सर्कल ड्रॉ करना है जैसे हम लोगों ने वहां पर किया, लेकिन यहाँ पर वी लिखिएगा इसके अंदर, वो एमीटर था, यहाँ पर आपको वी लिखना है इसके अंदर। सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे।
अब आपको इसे और थोड़ा सा नीचे ले जाना है। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया ताकि आप मेरे साथ इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाएं। अब यहाँ पर बीच में हमने स्पेस लीव कर दिया, अभी मैं बाद में ड्रॉ करूँगा क्या इसके अंदर ड्रॉ करना है। आपको इसे नीचे ले जाना है और नीचे भी आपको ड्रॉ करना है। शायद आपको शो ना हो रहा हो, मैं अभी कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा पेज को एडजस्ट मैंने कर दिया ताकि आपको प्रॉपरली शो हो। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस हम बैटरी के लिए लीव कर देंगे। आप सेल वगैरह का सिंबल लग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर सेल का मैंने सिंबल बना दिया है और ऊपर जो हमने स्पेस लिखा था उसमें आपको कुछ इस तरह की जिगजैग करके लाइन ड्रॉ करनी है और कनेक्ट कर देना है दूसरे एंड से। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके टर्मिनल्स दोनों ड्रॉ कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर हम जो लाइट से एंटर कर रही है उसे रिप्रेजेंट करेंगे एरो की हेल्प से। थोड़ा कर्व करते हुए हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर फॉलिंग लाइट को हम लोग शो कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव होंगे दूसरी डायरेक्शन पर। तो आप डॉट सिंपली ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद एरो की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर देंगे इनका मोशन। ये एरो ड्रॉ करने के लिए आप स्केल का यूज करें, बेटर रहेगा। नाउ गाइस, ये हमारा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया कंप्लीट। अब अगर आपका इनकम्प्लीट रहेगा तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, देन गाइज हम लोग फर्दर लेवलिंग कर लेते हैं। देन आफ्टर गाइज ये हमारा लेवल डायग्राम हो जाएगा कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने साथ साथ बल वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और अगर आपको किसी और डायग्राम प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।